हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के टर्न में बेटा आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन समझाया था, जिसमें कि आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन बताए थे मैंने, जो सिंपल सब्ट्रैक्शन है किस तरीके से आप करोगे वन डिजिट के। और इसके अलावा मैंने सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन ये आपको समझाया था कि नंबर लाइन पर किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिजिट्स को, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने एक्सरसाइज भी दी थी बुक की करने के लिए और आपने कंप्लीट भी करी होगी। आज के जो टॉपिक है वह है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम टू डिजिट नंबर्स टू वन डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग। अब ये विदाउट बोरोइंग क्या है? अभी तक तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है सिंपल ही सिंपल, ठीक है। अब विदाउट बोरोइंग मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है किसी से कुछ लिए बिना, किसी से कोई नंबर लिए बिना, कोई उधार लिए बिना हमको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स। किस तरीके से करेंगे अभी हम इसको समझते हैं आगे। देखिए यहाँ पर एक सम दिया हुआ है जिसमें 37 में से आपको 4 माइनस करना है, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें हमने टू नंबर्स हैं लेकिन हमें वन डिजिट ही माइनस करनी है। यहाँ पे वंस और टेंस दिए हुए हैं लेकिन हमको सिर्फ वंस वाला नंबर में से ही माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इसका मतलब है कि फ्रॉम टू डिजिट नंबर टू वन डिजिट, यानी टू डिजिट नंबर जो है उसमें से हमें वन डिजिट ही माइनस करनी है, ये वाले आज हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे 37 है, आपको पहले ही पता है कि राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स में, तो 7 में से हम माइनस करेंगे 4 को। वंस में से माइनस करना है, वंस में से ही वंस को नंबर को माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 4 करके आया आपका 3, ठीक है। और जो सेकंड टेंस वाला नंबर है वो एज इट इज़ ऐसे ही लिख जाएगा नीचे, तो आंसर आपका आ जाएगा 33। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर पहले आपको ये चीज़ शो कर रही है कि 3 टेंस है और 7 वंस है, और क्योंकि 3 के नीचे कोई नंबर नहीं तो हम 0 मानते हैं। जब कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई डिजिट नहीं लिखी हुई है किसी के नीचे, तो वो इट मीन्स 0 है। तो 0 टेंस एंड 4 वंस, 4 नंबर है यहाँ पर वंस, ठीक है। तो वंस वंस वाले हमने माइनस करे हैं, टेंस में कोई नंबर नहीं है तो एज इट इज़ ही उसको लिख दिया गया है आंसर में। अभी क्या लिखा हुआ है और यहाँ पर दोबारा से इसको समझते हैं। इन द अबव एग्जांपल, ये मतलब जो ऊपर एग्जांपल दिया गया है, वी हैव शोन सब्ट्रैक्शन फ्रॉम टू डिजिट नंबर टू वन डिजिट नंबर। जो ये ऊपर एग्जांपल दिया गया है उसमें हमको ये दिखाया गया है कि जो टू डिजिट नंबर है यानी कि 37 टू डिजिट नंबर है, उसमें से हमने एक डिजिट नंबर को घटाया है, एक डिजिट यानी 4 को घटाया है, ठीक है। इन दिस वी सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम वंस, इसमें हमने वंस में से ही वंस को माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, यानी 7 में से 4 को माइनस किया है, दोनों वंस है ना, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड राइट टेंस एज इट इज़, यानी जो टेंस वाला नंबर है उसको एज इट इज़ यानी वैसे का वैसे ही नीचे लिख दिया है। वी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स टू क्लियर दिस। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है नेक्स्ट एग्जाम्पल 54 माइनस 3, मीन्स यहाँ पर नंबर दिया गया है 54, आपको क्या माइनस करना है, कितने नंबर, 3 माइनस करने हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस की साइड से, ये वन है, वंस है, ये टेंस है, तो 4 में से पहले 3 माइनस किया तो आपका आंसर आया 1, ठीक है। 4 में से आपने 4 फिंगर है, एक माइनस कर दी, 3 रह गए, ठीक है। 3 माइनस करके 1 आ गया आपका, और यहाँ पर टेंस वाले में 5 लिखा हुआ है तो हम वो नंबर एज इट इज़ नीचे लिख देंगे क्योंकि उसके नीचे कोई और नंबर नहीं है जो हम माइनस करें, ठीक। आगे इसको किस तरीके से शो किया है, पहले हमने लिखा है 5 क्या है, टेंस, 4 क्या है, वंस, इसी तरह 5 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 0 टेंस एंड 3 वंस। अब यहाँ पे जो आपका आंसर आया उसमें भी 5 एज इट इज़ आ गया है तो 5 टेंस, 4 में से 3 माइनस किया है तो 1, 1 वंस,
इस तरीके से आपको ये सम कंप्लीट करने हैं। ये भी आपका एक और एग्जांपल है, 78 में से माइनस 5 किया है, वंस में से वंस वाला नंबर माइनस किया 3 आया, और टेंस वाला नंबर एज इट इज़ लिख दिया। इस तरीके से ये कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, आपको आगे अब इसी तरह आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देखिए यहाँ पर हम एक सॉल्व करते हैं सम को। यहाँ पर है 96 में से आपको माइनस करने हैं 3। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यहाँ उतारेंगे। 9 है टेंस, 6 है वंस, तो हमने ये यहाँ पर इसको लिख लिया। अब 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 0। 0 टेंस है इधर, और वंस क्या है, कौन सा नंबर, 3। ठीक है, इतना हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर हम इसको माइनस करना स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 में से 3 को हमने माइनस किया, कितने बचे, 3। आप इसको लाइन खींच कर भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब कट कर दिया आपने 3, कितने बचे लाइंस, 3। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अब आगे कौन सा नंबर है, 9। 9 में से हमें क्या माइनस करना है, कुछ भी माइनस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 0 है। तो 9 में से कुछ नहीं जब माइनस हुआ, तो 9 एज इट इज़ लिख जाएगा। ओके, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हमको इसको भी यहाँ पर लिखना है कि कौन सा वंस है, कौन सा टेंस। यहाँ पर 9 वंस है, 9 टेंस है सॉरी, ठीक है, एंड 3, 6 माइनस 3 किया तो 3 यहाँ पर आपका आंसर आया, तो यहाँ पर 3 ही वंस है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। और आगे का भी अब देखिए, 88 में से माइनस करना है 3, तो वंस में से वंस वाला नंबर माइनस किया, 8 में से 3 गए, कितने बचे, वो आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद में यहाँ पर एज है, नीचे कोई नंबर नहीं, तो एज इट इज़ आ जाएगा टेंस वाला नंबर, वैसे ही आपको यहाँ पर इसको भी कंप्लीट करना है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये वाला आपका टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स टू 1 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग, यानी हमने किसी से कुछ लेकर बिना लिए ही इसको घटाया है, कम करा है। ओके, तो इसके बाद में इसकी ये बुक एक्सरसाइज है जो आप लोगों को कंप्लीट करनी है बुक में ही, इसको आपको नोटबुक में नहीं करना है, बुक में दी हुई है, बुक में ही आपको ये कंप्लीट करनी है। ये वाली बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 63 और पेज नंबर 64 एंड पेज नंबर 65, ये वाली जो बुक एक्सरसाइज हैं सब्ट्रैक्ट करने की, आपको ये कंप्लीट करनी है बुक में। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर और टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटा। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।